नवाब का सहे ला मार्टिनियर था गदर मूवी का एक तोप यहाँ रखा जाएगा, देखिएगा। गदर 2 का शूटिंग हुआ, ये देखिए किस प्रकार से और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। तो दोस्तों कल रात को सफर करके, ट्रेन से सफर करके, कौन सी ट्रेन से आए थे हम लोग? भोपाल प्रतापगढ़ से हम लोग अभी सुबह 6 बजे उतरे। उतरने के बाद देखिए हम लोग फ्रेश हो गए नहा धोकर। और दोस्तों अभी जहाँ पर हम हैं, जहाँ से हम ब्लॉग शूट कर रहे, जहाँ से हम ब्लॉग शुरू कर रहे, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। अभी देखिए हम कहाँ पर हैं, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। गाइस ये है नवाबों का शहर लखनऊ स्टेशन। यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक झंडा देखने को मिलता है, आप देख सकते हो, तिरंगा है ना। और यहाँ पर देख सकते हो एक पुराना रेल का इंजन भी रखा है, वहाँ पर एक पुराना रेलगाड़ी का इंजन भी रखा है, आपको देखने को मिल रहा होगा, देखिए वहाँ पर। और यहाँ पर वो जो आप ब्रिज देख पा रहे हैं ना, वो मेट्रो है और वो मेट्रो स्टेशन है ना, चारबाग करके स्टेशन है, वहाँ पर मेट्रो स्टेशन है। तो यहाँ पर से मेट्रो निकलता है। अभी हम दोस्तों अभी हम लोग हैं लखनऊ, नवाबों का शहर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हम लोग हैं। ये हमारा पीछे नज़ारा देख सकते हो, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। हमारे साथ है मंटू रावत जी, जो कल आज सुबह हम लोग यहाँ पर पहुँचे। दोस्तों ट्रैवलिंग का और ट्रेन का नहीं दिया था, तो दोस्तों यहाँ से क्योंकि हमारा इच्छा था कि भाई लखनऊ जो स्टेशन है वहाँ से हम लोग ब्लॉगिंग को शुरू करें। तो अभी हम लोग यहाँ से ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग आगे निकलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर 2 लोकेशन पे जाना है, तो मैं उस लोकेशन पे पहुँच कर ही आपको बताऊंगा कि कौन सी लोकेशन पर हम आए हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। ये लखनऊ स्टेशन है, आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी बड़ा है। पीछे देखिए ये लखनऊ है भाई, नवाबों का शहर माना जाता है। और इसी लखनऊ में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी रहते हैं। हो सकता है कि मिलने चले जाए। अच्छा योगी जी से मिलने चले जाए, चलो महाराज जी बोल रहे योगी जी से। दोस्तों मेट्रो जा रहा है, वो देखिए मेट्रो जा रहा है, मेट्रो ऊपर से मेट्रो निकल के जा रहा है, लाइव दिखा रहा हूँ आपको, वो मेट्रो चला गया। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ, हम लोग हैं लखनऊ में, आज पूरा दिन लखनऊ बिताने वाले हैं, लखनऊ घूमने वाले हैं और लखनऊ का ब्लॉग शूट करके आप लोगों को देने वाले हैं। तो बने रहिए, देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। यहाँ से हम लोग आगे निकलते हैं और आगे की लोकेशन आपको आगे जाकर बताऊँगा कहाँ पर हम लोग आए हैं। तो गाइस अब फाइनली हम लोग एक टोटो पकड़ कर उस फिल्म लोकेशन की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। और मंटू महाराज जी हमारे साथ हैं, टोटो में हम बैठे हुए हैं, अभी ये देख सकते हैं टोटो वाले भैया टोटो चला रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंचते हैं आगे की लोकेशन पर और आपको दिखाते हैं ये कुछ नज़ारा। मुझे यहाँ पर भी कुछ शूटिंग हुई थी गदर मूवी का और हम आपको आगे ले चलते हैं। ये गार्डन है, देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत, देख सकते हो ये ला मार्टिनियर, ये कॉलेज है, पुराना कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है। और ये जो बोर्ड आप देख पा रहे हैं, हम लोगों को इसी के अंदर जाना है, यहाँ से अंदर जाना है। तो अंदर जाएंगे और अंदर जाकर वीडियो शूट कर दिखाएंगे कितने मूवी का शूटिंग हुआ है, क्या हुआ है, गदर मूवी, संजय दत्त का मूवी का, रजनीकांत का। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ का नज़ारा बहुत बढ़िया लगा, हम अंदर चलते हैं, आपको अंदर चल के दिखाते। तो देख सकते हो इस गेट से हम लोग एंट्री कर आए और ये है गेट, और गेट के बाद मैं जैसे गेट से एंट्री करता हूँ और ये है गार्डन का नज़ारा, आप देख सकते हो ये लखनऊ के अंदर है।
और हम लोगों ने 4 नंबर गेट से एंट्री किया, ऑटो वाले भैया ने छोड़ दिया था वहाँ पर, तो एक टोटो पकड़ कर हम लोग अंदर आ गए। यहाँ पर एक फुटबॉल ग्राउंड भी आपको देखने को मिलता है, तो मैं आपको आगे ले चलता हूँ। आगे देखिए यहाँ पर एक मस्जिद टाइप का बना, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। तो चलते हैं आगे, ग्राउंड काफ़ी अच्छा है, ग्राउंड काफ़ी बड़ा है, कुछ बच्चे भी उस तरफ देखने खेल रहे हैं, और आपको आगे ले चलते उस तरफ। तो देखिए यहाँ पर भी छोटे छोटे तोप, दो तोप देखने को मिला, और काफ़ी अच्छा घोड़े भी है वो पीछे, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। दोस्तों पीछे जो एक मकान आप देख पा रहे हैं ना, वहाँ पर देखिए काफ़ी सारे घोड़े है ना, वहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी सारा घोड़ा बंधा हुआ है, और उन लोगों को वहाँ पर उनको कुछ चारा वगैरह दिया गया खाने के लिए, और ये देख सकते हो तोप रखा, और यहाँ से कुछ इस प्रकार से देखता है यहाँ का नज़ारा, मैं आपको दिखाता हूँ। मंटू रावत जी फ़ोन पे बात करते हुए है ना, ये इस प्रकार से यहाँ का कुछ नज़ारा है, आप देखिए। एक भैया मुझे देखे ये चलाते हुए, देखिए काफ़ी अच्छा लगा है ना। दोस्तों यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हो, और हमारे पीछे आप देखिए कुछ डिजाइन बना हुआ है वहाँ पर, आप देख सकते हो मंटू रावत जी वहाँ बैठे हुए, और कुछ नज़ारा इस प्रकार से है यहाँ पर, देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। तो दोस्तों हमको चलना है अभी, वो जो देख पा रहे हैं आप झंडा, उस लोकेशन के सामने हमें जाना है, आपको ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा, गदर एक प्रेम कथा उस समय की सुपर डुपर हिट मूवी रहा, आप लोगों ने सबने उस पिक्चर को देखा होगा। तो उस ऐप पर कुछ सीन लिया गया था, जो आखिर का सीन था जो पाकिस्तान बताया गया था, तो मैं आज आप लोगों वो लोकेशन भी दिखाऊंगा, और वहाँ का जो कुछ स्क्रीनशॉट है मैं वो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते हैं क्या लोकेशन रहा होगा, क्या वहाँ पर शूटिंग हुई, क्या गजब नज़ारा है दोस्तों, देखते हैं चलते हैं और आगे का नज़ारा आपको आगे जाकर दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ से उसका एंट्री गेट देख सकते हो, यहाँ से हम लोगों को अंदर जाना है, ये है गेट, यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे और आपको अंदर जाने की बाद ही दिखाएंगे अंदर का नज़ारा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है जो बना हुआ है, ये देखिए ये बिल्डिंग है, और यहाँ का कुछ नज़ारा इस प्रकार से आपको दिखाता हूँ, आप देखिए है ना। तो ये मैं अंदर आ चुका हूँ, और काफ़ी बड़ा बिल्डिंग है, आपको अंदर ले चलता हूँ। भाई लोग हम लोग चलते चलते अंदर आए, काफ़ी सारा लंबा सफ़र तय कर 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 अंदर आया, और अंदर जाकर ही आपको दिखाऊंगा। दोस्तों मैं इस समय लखनऊ में हूँ, आप लोगों को पता ही चल गया होगा। तो चलते चलते काफ़ी समय बीत गया, आखिरकार मैं वो मंजिल पहुँच गया, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोग काफ़ी सारा प्यार देते हो ब्लॉग में और बने रहते हो, आज भी आज का ब्लॉग एंड तक बने रहना, काफ़ी अच्छा मज़ा आएगा, आनंद आएगा दोस्तों। तो यहाँ से देखिए कुछ इस प्रकार से नज़ारा है, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ का जो लोकेशन है, मैं इस तरफ से दिखा दिया आपको, और फिर आगे ले चलता हूँ आपको। गाइस फाइनली जहाँ पहुँचना था हम लोग पहुँच गए, इंतज़ार का घड़ी ख़त्म होता है। अभी आप देख सकते हो हमारे पीछे ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, लो कॉलेज है, यहीं पर गदर मूवी का जो आखिरी कुछ सीन यहाँ से लिया गया था, यहीं से लिया गया था। आप देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये जो सीढ़ी आप देख पा रहे हैं ना, मैं बैक कैमरा करके दिखाता हूँ तभी आप लोगों को समझ में आएगा। दोस्तों देखिए ये जो सीढ़ी आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर एक शूटिंग का जो सीन था गदर मूवी का, सन्नी देवल यहीं पर से हेडपम्प उखाड़ते हैं। लास्ट में आपने देखा होगा जब सन्नी देवल से कहा जाता है कि भाई आप धर्म परिवर्तन करो और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारे लगाओ, हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारे लगाओ। तो दोस्तों यहाँ पर अच्छा मंटू महाराज जी ऊपर पहुँच गए, तो यहाँ पर सन्नी देवल को भड़काया जाता है, काफ़ी सारा मुसलमानों को इकट्ठा किया जाता है, यहाँ पर एक सभा टाइप की अमरेश पुरी जी लगाते हैं, वहाँ पर जो घंटी है मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस सीढ़ियों से सन्नी देवल चढ़ के ऊपर जाता है, और यहीं पर वो हेडपम्प लगा होता है, तो यहाँ पर अमरेश पुरी खड़ा रहता है, उनकी काफ़ी सारे लोग खड़े होते हैं, और यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा माहौल बनता है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट में देख पा रहे।
तो ये तोपे रखी हुई है, तोपे की कलर भी आपको हम आगे चलकर दिखाते, आगे वो घंटी दिखाते। तो मैं पहले ये नज़ारा आपको दिखाना चाहता हूँ। ये लखनऊ के अंदर है, ये लॉ कॉलेज है, और दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। तो आज का जो वीडियो, आज का जो ब्लॉग है दोस्तों, यहीं पर एंड नहीं होता है। मैं और भी इस वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ। अब हम इस जीना को चढ़ते हुए आगे चलेंगे, है ना, दिखाएंगे आपको कहाँ पर वो शूटिंग हुई थी। और गदर मूवी अगर आपने देखी होंगे, गदर एक प्रेम कथा, उस समय का सुपर डुपर हिट मूवी रहा है। ये वो सीढ़ी आप देख पा रहे हैं जहाँ से सन्नी देओल भागते हैं, और ये ही वो सीढ़ी दिखाई गई थी उस समय के, जहाँ से वो ट्रैक से उतर कर आते हैं, बीवी बच्चों को लेकर वो ट्रैक से भाग जाते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखिए, ये तोपे देख सकते हो आप, तोपे रखी हुई है, उस पिक्चर में भी आपको दिखाई जाएगा स्क्रीनशॉट पे। और ये जो घंटी है अमरीश पुरी साहब की बगल में आप देख पा रहे हैं स्क्रीनशॉट में, कि ये घंटी वो आपको समझ में आ रहा है, ये जो बिल्डिंग है इसी बिल्डिंग को दिखाया गया था, उस समय पाकिस्तान बनाया गया था। तो यह का नज़ारा कुछ इस प्रकार से देखिए दोस्तों, ये बिल्डिंग है पूरा, ये तोप, और कुछ भाई यहाँ पर काम करते हैं, अभी देखते हैं। ये देखिए तोप, इसका कलर चेंज हो गया अभी। और ये है वो घंटी, जो घंटी इस मूवी का, मूवी में जो सीन दिखाई गई थी, इस घंटी को ही पहचान सकते हो आप, अच्छे ध्यान से देखो। और ये वो बिल्डिंग आप देख सकते हो, है ना, काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का, काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है दोस्तों यहाँ पर, है ना। तो ये लखनऊ के अंदर है। तो दोस्तों ये देखिए, और ये तोप हमारे पीछे देख पा रहे, और एक तोप यहाँ रखा हुआ है आप देखिए। और दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहीं पर वो गदर मूवी का शूटिंग हुआ था, काफ़ी सारा सीन लिया गया था, जब सन्नी देओल से कहा जाता है कि भाई आप धर्म परिवर्तन करो, और काफ़ी सारा सीन यहाँ पर लिया जाता है। यहीं से सन्नी देओल ने हेडपम्प उखाड़ कर भागते हैं, यहीं से हेडपम्प उखाड़ कर सभी लोगों को यहाँ से मारते हैं, मार के भागते हैं। और दोस्तों एक नज़ारा यहाँ पर और है, मैं आपको दिखाऊँगा, और बने रहिए। जहाँ पर उस मूवी में दिखाए गए थे कि सन्नी देओल जब उनकी बीवी बच्चों को लेकर भागते हैं, ये जो पीछे आप देख पा रहे, यहाँ पर भी एक जीना पे स्क्रीनशॉट आपको लगा दिया जाएगा, देखिएगा कि उनकी बीवी बच्चों को लेकर इस जीना से वो भागते हैं। उस समय क्या है, ये जो लोहे की बैरिकेडिंग लगाई गई ये नहीं था, अभी क्या बैरिकेडिंग, अभी ये नया से बैरिकेडिंग लगा दी गई लोहा का। तो ये जो खम्बा आप देख पा रहे, तो ये यही है वो जीना, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ दोस्तों। ये जो सीढ़ी है ना, ये सीढ़ी देख पा रहे हैं आप, यही इसी सीढ़ी से वो भागते हैं, और इसी सीढ़ी से वो भागकर भाग जाते हैं। यह जो सीन दिखाई जाता है कि भाई धर्म परिवर्तन करिए, और सन्नी देओल अपनी बीवी बच्चों को लेकर यहीं से भागते हैं। ये इस जीना पे आपको वो सीन दिखाई जाएगा, ये जो खम्मा आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ का सीन कुछ इस प्रकार से है, हम लखनऊ आए थे सिर्फ इसी जगह का शूटिंग करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए, जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यही वो नज़ारा है, आप देख सकते हो यहाँ पर वो सारा शूटिंग लिया जाता है। और ये देखिए तोप रखा है, यही पर वो शूटिंग लिया जाता है, जो सन्नी देओल जी को यहाँ पर बंधक बनाने की कोशिश किया जाता है, उनको भ्रमित किया जाता है। अमरीश पुरी जी सवाल लगाते हैं, अमरीश पुरी जी पूरो यहाँ पर सेटअप जमाते हैं, और उनसे कहा जाता है कि भाई आप ऐसा ऐसा बोलो। तो ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं काफ़ी खूबसूरत है, तो ये नज़ारा मैंने आपको दिखा दिया। और हमारे पीछे ये भी आप देख लिया, जो सन्नी देओल अपने बीवी बच्चों को लेकर यहाँ से भागते हैं। गदर एक प्रेम कथा, गदर मूवी, उस समय सुपर डुपर हिट मूवी रहा, जो आप लोगों ने देखा था। पर कुछ भैया जो काम कर रहे बता रहे कि भाई सन्नी देओल जी इस पिक्चर में यहाँ से जब एंट्री करते ट्रैक लेकर, तो यहाँ पर बनाई गई थी वो गेट, तो फिल्म वाले शूटिंग करने के लिए वो गेट बनाई गई थी, वो गेट मैं आपको दिखा दूंगा, उस गेट से वो एंट्री करते हैं। और अभी इन लोगों का कहना है, भाई लोग बता रहे हैं, अभी एक महीना पहले गदर 2 का शूटिंग हुआ है यहाँ पर ना, भाई लोग बता रहा है कि 3 महीना पहले यहाँ पर गदर 2 का शूटिंग हुआ है। और काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई यहाँ आने के बाद,
कितने बड़े तोहफे भाई, देखो गाइस ये तोहफे देख सकते हो आप, वहाँ पर भी रखा भाई, बैठे हुए हैं दो तीन रखा है। इस पिक्चर में इस शूटिंग को भी दिया जाएगा, इस सीन को भी आपको दिया जाएगा, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि तोहफे रखा है। उस समय तोहफे का कलर कुछ अलग था, अभी कुछ अलग है। तो ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा, ये वो जीना उस समय दिखाई गई थी, सीढ़ी देख सकते हो जहाँ से सन्नी देवल जब भागते हैं और अमरीशपुरी आदेश देते हैं, फिर उनके पीछे हुजूम लग जाती है उनको पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ नहीं पाते। और वो ये जो जीना है, इस जीना से वो भागते हैं और भाग कर वो ट्रैक लेकर भाग जाते हैं। तो इस लखनऊ के अंदर काफ़ी सारा शूटिंग और भी हुई है गदर मूवी का। पुल देखा जाता है, उस पुल के ऊपर भी ब्लास्ट होता है, वो भी दूसरा लोकेशन में है। लेकिन मैं गदर एक प्रेम कथा, गदर उस समय सुपर डुपर हिट रहा दोस्तों। लखनऊ आने का मकसद जो था मैंने आप लोगों को बता दिया, गदर एक प्रेम कथा। अभी हमने जयपुर में दिखाया था, कनक गार्डन का एक वीडियो आज ही अपलोड किया दोस्तों, वहाँ पर मैंने और भी दिखाया कि जहाँ पर करण अर्जुन मूवी का शूटिंग हुआ था वो भानगढ़ का किले के अंदर, वो वीडियो में भी काफ़ी सारा प्यार आप लोगों ने दिया। तो दोस्तों ये हमारा लोकेशन आप देख सकते हो, ये लखनऊ के अंदर है। आज ही सुबह हम लोग लखनऊ पहुँचे, मंटू रावत जी और हम, और फाइनली आप लोगों को बताया था कि भाई कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, तो यही पर हम लोग आए थे गदर मूवी का, जहाँ पर शूटिंग हुआ था। काफ़ी सारा शूटिंग यहाँ पर लिया गया था, सीन यहाँ से दिया गया था। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट में दूंगा, यही पर वो मेला टाइप का लगता है, मतलब यही पर वो सारा लोग इकट्ठे होते, पाकिस्तान बनाया जाता है। तो आप देखिए स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हैं, और ये वो सीढ़ियाँ है जो हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर चलता हूँ आपको। तो गाइज उसी जीना पे हम अभी खड़े हुए हैं, अभी देख सकते हो यही वो जीना है जहाँ पर सन्नी देवल भागते हैं, और यहाँ से देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है। जो लोमा ट्रेन कॉलेज है लखनऊ के अंदर है, बहुत पुराना कॉलेज है। अभी यहीं पर दो महीना पहले गदर 2 का भी शूटिंग हुआ है, यहाँ का लोगों का कहना है। गाइज आप लोगों ने संजय दत्त का एक पिक्चर था जो प्रस्थानम, जहाँ पर संजय दत्त रोल निभाते हैं, और ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हो वहाँ पर खड़े होते हैं संजय दत्त, ऊपर खड़े होते हैं। प्रस्थानम पिक्चर का भी शूटिंग यहाँ पर हुआ है, गदर मूवी का भी शूटिंग हुआ है, और एक जितेंद्र का मूवी, कौन सा मूवी भैया, चिरंजीव की, यहाँ पर जितेंद्र जी की भी एक मूवी का शूटिंग हुआ है, चिरंजीवी मूवी। तो दोस्तों काफ़ी सारा मूवी का यहाँ पर शूटिंग हुआ है, अभी गदर 2 का भी शूटिंग हुआ है। यहाँ का जो लोग है बोलते हैं काफ़ी अच्छा शूटिंग हुआ है, गदर मूवी गदर 2 अभी आए नहीं है। तो प्रस्थानम मूवी जो संजय दत्त की, आपने देखे होंगे संजय दत्त ऊपर रहते हैं, स्क्रीन शॉट में अगर मुझे मिल जाए जरूर वो लगा दूंगा आप लोगों को। तो ये यहाँ पर प्रस्थानम पिक्चर का भी शूटिंग हुआ है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है दोस्तों। गदर मूवी का भी शूटिंग हुआ है, और प्रस्थानम संजय दत्त की ऊपर से वो देखते हैं, और काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों, है ना दोस्तों। इस बिल्डिंग के अंदर जाएंगे, थोड़ा सा आपको दिखाएंगे। काफ़ी अच्छा नज़ारा है भाई यहाँ का, देखिए ये जो उस समय देखा होगा, उस समय की कारीगरी आप देख सकते हो। ये अंदर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है, काफ़ी खूबसूरत है देखिए। नहीं वो दीवालों पे बनाई गई भाई, पेंट की गई है। ये अंदर का कुछ इस प्रकार का है, चर्च है, ये चर्च है ना, हाँ प्रेयर होती, प्रार्थना होता है यहाँ पर, चर्च है चर्च। चलिए भाई चलते हैं, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर सामने से। यहीं पर रहते हो जी, पढ़ते हो, कहाँ से हो, उत्तराखंड, बहुत दूर से आते हो यार पढ़ने के लिए, चलो बढ़िया है। क्या कर रहे हो भाई, चलाओ थोड़ा सा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। देखिए गाइस ये देखिए किस प्रकार से बच्चे चलाते हैं इसको, गिरते नहीं है, लाइन से चलाओ,
गाइज मैं जरूर बताना चाहूँगा, आप लोग साउथ की मूवी भी देखे होंगे, रजनीकांत जी को भी आप लोग जानते होंगे, उनका एक पिक्चर है अन्नत है, उस पिक्चर का भी आधा शूटिंग यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर जेल बनाया जाता है और उनकी सिस्टर को लेकर कुछ सीन यहाँ पर दिखाया जाता है। मुझे अगर वो स्क्रीनशॉट मिले तो ज़रूर आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा। और रजनीकांत जी को कौन नहीं जाता, साउथ का मूवी का हीरो है, काफ़ी सुपर डुपर हीरो रहा वो, अभी भी उसका पिक्चर अगर कोई रिलीज होता है बहुत सुपर डुपर चलता है। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारा मूवी का शूटिंग हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा दूँगा और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। तो गाइस वीडियो यही एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पूरा देखने के लिए तहे दिल से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।